ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो वेलकम बैक आफ्टर योर वेकेशंस. आई होप यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग ड्यूरिंग द वेकेशन विच ऑल बट वी हैव स्टडीड बिफोर दैट. सो टुडे वी हैव टू टेक अप अ न्यू टॉपिक विच इज़ एडिंग अ गैजेट ऑन द डेस्कटॉप. ठीक है, यू कैन मेक द विंडोज डेस्कटॉप मोर यूजफुल बाय एडिंग गैजेट्स टू इट. अ गैजेट इज़ अ प्रोग्राम is a small program such as clock or calculator that performs a specific function. You can also remove the gadgets. For example, if you are in a habit of using calculator or the clock or calendar for that matter, aap apni screen pe usko as a small icon apne screen desktop screen pe apply kar sakte ho. That small icon or the application, for example clock or calculator or calendar, that application ya program is known as gadget. Theek hai, aap directly apne desktop pe isko dal sakte ho so that you can use it frequently. और जिस तरह से हम गैजेट्स को अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे डालते हैं उसी तरह से इन द सेम वे वी कैन रिमूव द गैजेट फ्रॉम आर डेस्कटॉप स्क्रीन एज वेल. नाउ हाउ विल वी ऐड अ गैजेट ऑन द स्क्रीन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑन द डेस्कटॉप पे आपको किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन गैजेट्स. गैजेट्स का ऑप्शन आपको मेन्यू में मिलेगा. फिर द गैजेट गैलरी विल अपीयर. एज सून एज यू विल क्लिक ऑन द गैजेट ऑप्शन द गैजेट गैलरी विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू. देन क्लिक ऑन द गैजेट. यू कैन क्लिक ऑन शो डिटेल्स टू सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गैजेट. फिर आपको जो भी गैजेट्स चाहिए, इफ़ यू वॉन्ट द क्लॉक यू कैन क्लिक ऑन द क्लॉक, इफ़ यू वॉन्ट द कैलकुलेटर यू कैन क्लिक ऑन दैट. अगर आपको कैलेंडर चाहिए आप उसको भी क्लिक कर सकते हो. एक और फंक्शन होता है विच इज़ शो डिटेल्स. जैसे ही आप अपने गैजेट्स पे क्लिक करोगे नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो डिटेल्स. उस पर क्लिक करने पे आपको अपने गैजेट की डिटेल्स के बारे में पता चलेगा. देन यू हैव टू राइट क्लिक द गैजेट इफ़ यू वॉन्ट टू ऐड दिस गैजेट. फिर आपको राइट क्लिक करने पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड का. एज सून एज यू विल क्लिक ऑन दैट ऑप्शन वो आपका गैजेट जो है वो आपकी स्क्रीन पे डेस्कटॉप स्क्रीन पे इट विल स्टार्ट शोइंग. यू कैन ऑल्सो डबल क्लिक द गैजेट. इधर आप अपने माउस से राइट क्लिक करके ऐड करो और या तो आप जो भी गैजेट आपको स्क्रीन पे चाहिए उस पर डबल क्लिक करके भी उस गैजेट को ऐड कर सकते हो. तो दिस वाज द वे हाउ वी कैन ऐड द गैजेट ऑन द स्क्रीन. अब हम विंडोज 7 ऐड्स द गैजेट टू द डेस्कटॉप. रिपीट स्टेप्स 4 और 5 टू ऐड मोर गैजेट्स टू द डेस्कटॉप. इस केस में हमने कैलकुलेटर लिया है. अगर आपको और गैजेट्स चाहिए डेस्कटॉप पे तो आप सेम प्रोसेस को क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन दी राइट क्लिक करना है आपको डेस्कटॉप पे. देन यू हैव टू क्लिक ऑन गैजेट्स. गैजेट गैलरी में से अपने डिजायर्ड गैजेट को चूज करके उसको ऐड करना है. ऐड आप कैसे करोगे? इधर यू विल डू दी राइट क्लिक फ्रॉम योर माउस एंड ऐड इट, और यू विल डबल क्लिक ऑन दी गैजेट विच यू वॉन्ट टू ऐड ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, so this was the way how we can add a gadget on the screen. Now how we will see that how we can remove the gadget from the screen. Now this was abhi humne dekha ki kisi bhi gadget ko hum apni screen pe kaise add karenge. ab hamari screen pe agar already koi gadget hai to usko remove kya karna kaise karna hai, what are the steps, let us see. First of all, move the mouse pointer over the gadget. apne mouse pointer ko gadget pe le jana hai. mouse pointer आप अपने माउस से ऑपरेट करते हो और स्क्रीन पे एक आपको छोटा सा एरो दिखता है, उसको आपको अपने जो भी आप डिज़ायर्ड गैजेट है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो उस पे लेके जाओगे. द गैजेट कंट्रोल्स अपीयर. फिर उसको गैजेट कंट्रोल अपीयर होगा. क्लिक ऑन द रिमूव बटन. रिमूव बटन कैसा होगा? एक क्रॉस का बटन होगा. यू कैन ऑल्सो राइट क्लिक द गैजेट एंड देन क्लिक ऑन क्लोज गैजेट. आप दो स्टेप से रिमूव कर सकते हो गैजेट को. इधर यू कैन मूव योर माउस पॉइंटर ओवर द गैजेट एंड देन गैजेट कंट्रोल अपीयर होगा. उसमें आप क्रॉस बटन को विच इज़ योर रिमूव बटन उस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हो. ऑल्सो यू कैन राइट क्लिक द गैजेट एंड क्लिक ऑन क्लोज गैजेट ऑप्शन टू रिमूव द गैजेट फ्रॉम योर स्क्रीन. तो दिस वॉज द वे हाउ वी कैन ऐड एंड रिमूव गैजेट फ्रॉम आर विंडोज 7 स्क्रीन. तो विद दिस द चैप्टर फिनिशेज. इसके बाद का जो भी एक्सरसाइज पार्ट है दैट आई विल एक्सप्लेन यू that I will provide just a minute. With this the chapter is has finished. hum iski exercise part ko will continue in our next class. exercise mein let's see the questions. kya kya questions hai? the background image that appears on the desktop, that is your wallpaper.
an image that pops up on the screen when it is idle for some time is your, the correct answer is screen saver. Background picture can be positioned in many ways, in four ways actually, in six ways. Let's see, हम इसको बाद में देखेंगे. उसके बाद फोर्थ में डैश इज़ द पार्ट ऑफ डिफॉल्ट गैजेट, क्लॉक, सी पी यू मीटर और गेम. तो आई थिंक क्लॉक इज द पार्ट ऑफ द पार्ट है दैट विल सी इन आर नेक्स्ट क्लास. आप यू एज अ होमवर्क हैव टू गो थ्रू द चैप्टर. ओके, इस चैप्टर में हमने इफ़ यू हैव टू क्विकली रिवाइज द चैप्टर. हमने डेस्कटॉप स्कीप को स्क्रीन को पर्सनलाइज कैसे करते हैं ये देखा है. पर्सनलाइजेशन मतलब होता है अपनी चॉइस के, अपनी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग आप अपनी स्क्रीन पे चेंजेस कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि बैकग्राउंड को कैसे चेंज किया जा सकता है डेस्कटॉप के. उसके बाद जो स्क्रीन सेवर है, स्क्रीन सेवर कब अपीयर होता है, जब हमारी स्क्रीन नॉट इन यूज़ होती है, जब हमारा सिस्टम यूज़ में नहीं होता तब हमारी स्क्रीन जो है, स्क्रीन सेवर जो है अपीयर होता है. हम ये टाइम भी सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद अगर स्क्रीन यूज़ में नहीं है तो आपका स्क्रीन सेवर आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो, दैट कैन ऑल्सो बी सेट. फिर हम अपने कलर स्कीम से अपनी स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं. देन हमने थीम्स लगाना देखा, जो आपका थीम्स जो स्क्रीन पे शो होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस. देन लास्टली हमने गैजेट को कैसे ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं वो देखा. गैजेट क्या होता है, एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जब आप यूज़ करते हो सिस्टम पे फ्रीक्वेंटली, जैसे आपका कैलेंडर हो गया, योर क्लॉक इज़ देयर, है ना. तो दीज आर दी ऑल गैजेट्स जिसको हम अपने डेस्कटॉप पे ऐड कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. तो दिस वाज इट फॉर दिस क्लास एवरीवन. थैंक यू सो मच.